दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्पाइनल कार्ड यानी मेरुदंड के बारे में। दोस्तों इसके पहले हम कवर कर रहे थे नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम हम लोगों ने ब्रेन को बहुत डिटेल से पढ़ा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले आप ब्रेन वाला टॉपिक देख ले, क्योंकि ये उसी का अगला हिस्सा है और आज आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट और क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज आपको स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा कि के बारे में मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे, जैसे अवानस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके बारे में, परिधीय तंत्रिका तंत्र उसके बारे में, ठीक है, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र जिसको ऑटोनॉमिक बोलते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। विद इमेज हम चीजों को बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और बात और कहना चाहूंगा, आजकल YouTube सभी लोगों तक हमारे नोटिफिकेशन को नहीं पहुंचाता है, तो ऐसे में आप खुद अपडेट होइए। आप बायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो आप बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में आइए और वहां देखिए कि कितने वीडियो अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, तो डेली आइए, क्योंकि डेली हमारे चैनल पे 3 से 4 सब्जेक्टिव प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आपकी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, बायोलॉजी की क्लास चल रही है और डिटेल वाली क्लास चल रही है जिसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए बायोलॉजी के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और करते हैं स्पाइनल कार्ड के बारे में, धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कह रहा तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर यानी हमारा पूरा शरीर, सर से लेकर ब्रेन से लेकर के पांव तक का पूरा हिस्सा, संपूर्ण शरीर और स्वयं पूरे शरीर में जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं, जितने भी नर्वस सिस्टम हैं, उन सभी को नियंत्रित करता हो, उन सभी को कंट्रोल करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी अगर किसी व्यक्ति का सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेल हो जाए, मतलब फिर उसकी कहानी खत्म, क्योंकि पूरे शरीर पर कंट्रोलिंग का काम किसका है? इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। याद रखें, यहां पर सूचनाओं का भी नियंत्रण किया जाता है। आपको क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या चखना है, ठीक है, आपके शरीर में स्पर्श हो गया, दबाव हो गया, दर्द हो गया, ठंडा गर्म हो गया, मतलब सब कुछ, हर तरह की सूचनाएं, हर तरह की सूचनाएं किससे संबंधित है? इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है। और याद रखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों को मिलाकर बनता है, जिसमें पहला है ब्रेन यानी मस्तिष्क, जिसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ा चुका हूं, और आज हमको पढ़ाना है मेरुरज्जु के बारे में यानी मेरुदंड के बारे में, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कार्ड। आज हम बहुत डिटेल में स्पाइनल कार्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप मस्तिष्क के बारे में पहले से नहीं पढ़े हैं तो मैं तो यही चाहूंगा कि जल्दी से जाके आप ब्रेन वाला वीडियो देख लो, उसके बाद ये आपका तीसरा लेक्चर जो मेरुदंड का है, स्पाइनल कार्ड का, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ इस तरह से संरचना देखने को मिलती है दोस्तों आपको मेरुदंड में। अभी पहले आप थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको यहां बताता हूं। करें मेरुदंड यानी स्पाइनल कार्ड, याद रखें यह एक लंबी, तो दिख भी रहा होगा, यह एक लंबी लंबी, ऐसे आप समझो ना, ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां से पीछे वाला हिस्सा देख रहे हो, ये यहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? इस कुल्हे तक जाता है। कुल्हा मतलब ये जो कमर है ना, कमर को कुल्हा कहा जाता है। इस कुल्हे तक जाता है, इस गर्दन से लेकर या खोपड़ी के ठीक नीचे से शुरू होता है स्पाइनल कार्ड और हमारे कुल्हे तक जाता है, यानी ये वाला पोर्शन जाके कुल्ले के पास पहुंचता है। याद रखेगा, करा यह एक लंबी पतली बेलनाकार संरचना होती है जो मस्तिष्क से लेकर के लंबर वर्टिब्रा, देखो इसको बोलते हैं लंबर, ठीक है, इस जगह को क्या बोलते हैं? लंबर। हालांकि लंबर के नीचे भी पेल्विक पाया जाता है, पेल्विक उस जगह का नाम है पेल्विक, ठीक है, तो वहां के निचले किनारे तक फैला हुआ है। यह उच्च तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क नियंत्रण में न रहने वाले उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको अलग अलग लोब पढ़ाया था, ठीक है, आपने 4 लोब के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इस तरह से अलग अलग लोब के बारे में पढ़ाया था, फ्रंटल लोब जो आगे हम लोग पढ़े थे, ठीक है, प्रमस्तिष्क को बोलते थे, इस तरह से एक एक चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था, वो तो वहां की बातें थी। ये जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है ना, ये भी हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है। अभी आपको बताऊंगा कि जब आगे आप चीजें पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारा चाहे हर्ट हो गया,
गया, चाहे हमारा फेफड़ा हो गया, चाहे हमारे हाथ पैर हो गए, ये सब कहीं ना कहीं जाके किससे जुड़े होते हैं, इसके पास जो नर्वस सिस्टम होता है उससे जाकर जुड़े होते हैं। ठीक है, चलो अभी एक चीज आप पहले यहां समझ लो, धीरे धीरे समझो, अभी आगे एक चीज बता रहा हूं। ये तो हो गया खोपड़ी, खोपड़ी के ठीक नीचे वाला हिस्सा, खोपड़ी के ठीक नीचे वाला हिस्सा आप देखेंगे गर्दन के पास थोड़ा सा घुमाव होता है। आप ध्यान से देखें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये ऐसा घुमाव होता है दोस्तों। ये वाला हिस्सा अगर मैं बताऊं आपको, ये हिस्सा यहां घुमाव होता है, फिर ये पीठ के पास जहां से हमारी पीठ स्टार्ट होती है यहां पर ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो ये देखिए पीठ वाला हिस्सा, तो ये इसी को दोस्तों सर्वाइकल कहा जाता है। कभी कभी आपने नाम सुना होगा सर्वाइकल पेन का, लोग कहते हैं यार सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल पेन मतलब जब उनका ये वाला हिस्सा दर्द करता है ना, इसी को क्या नाम दिया जाता है, सर्वाइकल पेन का नाम दिया जाता है। उसी सर्वाइकल पेन से याद रखो इस वाले हड्डी को क्या नाम दिया, यहां तक से यहां तक के पूरे हड्डी संरचना या ढांचा समूह को क्या नाम दिया जाता है, इसको सर्वाइकल कर्व कहा जाता है। इसको इस पूरे ढांचा समूह जहां पर घूम रही है हड्डी, इसको सर्वाइकल कर्व कहा जाता है। सर्वाइकल कर्व के नीचे नीचे जाइए, अब अगर आप नीचे जाएंगे दोस्तों तो आपको दिखेगा क्या, ये देखिए आप आ गए यहां पर। ठीक है, अब यहां पे आपका पेट वाला हिस्सा होता है, तो ये पेट वाला जहां हिस्सा होता है इसको थोरैसिस बोलते हैं, थोरैसिस कर्व, यहां पे क्या हो गया, थोरैसिस कर्व हो गया। और नीचे आएंगे तो कमर के पास फिर हड्डी ऐसे मुड़ गई है, कमर के पास देखेंगे तो यहां पर आप पीठ की तरफ देखो तो यहां पर आपको गड्ढा नजर आएगा। ठीक है, तो याद रखिए इसको लंबर कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंबर कर्व। और लास्ट में आ जाता है पेल्विक कर्व, लास्ट में क्या आ जाता है, ये कुल्हे में जाके एडजस्ट हो जाता है, पेल्विक कर्व सबसे लास्ट में। तो कुल चार कर्व होते हैं, इन चारों कर्व को भी आप ध्यान रखिएगा। पहला हो गया सर्वाइकल, यहां वाला हिस्सा, फिर ठीक पीठ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, थोरैसिस हो जाएगा, उसके बाद लंबर हो जाता है, उसके बाद पेल्विक हो जाता है। इन सभी कर्व के ऊपर आप ध्यान अपना दीजिएगा। चलिए अब आगे आपको बताता हूं दोस्तों, अगर हम लोगों को तंत्रिका तंत्र पढ़ना है तो मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र तीन भागों में बटा होता है, जिसमें पहला क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक, ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये तीन तरह के तंत्रिका तंत्र होते हैं, जिसमें पहला दो हिस्सों में बटा होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि जो दूसरा और तीसरा होता है वो क्या होता है। तो चलिए एक बार लगे हाथ हम लोग तीनों पे एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं दोस्तों। यहां पर दे रहा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये करा मस्तिष्क और मेरु रज्जु से मिलकर बनता है, वो तो हम पीछे भी देख चुके हैं। करा यह संपूर्ण शरीर की क्रियात्मक गतिविधियों एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो याद रखेगा पूरे शरीर के गतिविधियों पर नियंत्रण का काम किसका है, वो हम शुरू में देख चुके हैं भैया, इसीलिए तो इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम दिया जाता है, सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय, जिसको पेरिफेरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये देख लीजिए, कर मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं, ये दोनों से मिलकर बनता है। देखिए दो हिस्से थे, एक ब्रेन था एक मेरु रज्जु था, ये दोनों से अलग-अलग तंत्रिकाएं निकलती, कुछ तंत्रिकाएं हमारे ब्रेन से निकलती हैं और कुछ तंत्रिकाएं हमारे इस मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। जब ये दोनों तंत्रिकाओं को मिला दिया जाता है उसी को हम पेरिफेरल नाम देते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नाम देते हैं। अब आपके मन में आया होगा कि सर कितनी तंत्रिकाएं ऐसी हैं जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं और कितनी तंत्रिकाएं ऐसी हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, तो देखिए बता रहा है, कह रहा है मस्तिष्क से कुल कितनी, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, एक जोड़ी में दो होता है और 12 जोड़ी तंत्रिकाएं यहां से निकलती हैं हमारे मस्तिष्क से। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, इसी को कपाल तंत्रिकाएं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कपाल तंत्रिकाएं कहा जाता है। ठीक है, और हमने एक चीज और बताया था कि हमारा जो मस्तिष्क होता है ये क्रैनियम, खोपड़ी का जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है उसको क्रैनियम बोलते हैं, क्रैनियम से कवर होता है। ठीक है, याद रखेगा। और यहां पर जो सबसे लंबी तंत्रिका होती है वो दसवीं तंत्रिका सबसे लंबी होती है, जिसको वैगस कहा जाता है। अब परीक्षा में वैगस से जाकर प्रश्न पूछ लेता या सबसे लंबी तंत्रिका नाम का नाम यहां से पूछ लेता तो वैगस आप याद रखेगा। ठीक है, अगला दे रहा है मेरु रज्जु, या इसको मेरुदंड या इसको कशेरुक दंड, कई नामों से जाना जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड, बहुत नाम है इसके। ठीक है, तो कह रहा है यहां पर 33 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिनको कशेरुक तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो याद रखिए कपाल तंत्रिकाएं और कशेरुक तंत्रिकाएं, एक में 12 जोड़ी और एक में 33 जोड़ी, याद रहेगा क्या आपको, ये इतने जो है तंत्रिकाएं यहां से नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आप कहोगे सर इमेज में एक बार दिखा दीजिए, तो दिखा देता हूं आपको, देखिए
अगर मैं बात करूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल वाले की, अभी पेरिफेरल की नहीं, सेंट्रल की बात करूं, तो सेंट्रल मैंने दो चीज बताया। एक तो आपको बताया भैया कि सेंट्रल में याद रखना ब्रेन होता है, दूसरा मेरुदंड होता है। तो ब्रेन और मेरुदंड, स्पाइनल कार्ड, इस दोनों को क्या कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखा जाता है। और अगर मैं आपसे पेरिफेरल के बारे में बताऊं तो पेरिफेरल में याद रखे तंत्रिका तंत्र होते हैं। और यहां पर जो आपको ये रेखानुमा संरचना दिख रही है ना, ये क्या है, ये तंत्रिका तंत्र ही है। तो याद रखिए जो ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और मेरुदंड से कितना, याद रखिए 33 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, इन्हीं को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब तीसरा प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि सर जल्दी से ये बता दीजिए ये ऑटोमेटिक वाला क्या होता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम वो तीसरा टाइप होता है, तो उसमें क्या होता है, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं स्वायत्त। ठीक है, स्वायत्त यानी ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, वास्तव में परिधि तंत्र का ही एक भाग होता है, स्पेशली कई लोगों ने इसको अलग माना है, बट आपको याद रखना है कि इसको अलग ना मानकर यह परिधि तंत्र का ही हिस्सा माना जाता है। हालांकि यह भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है, अभी बता रहा हूं आपको। इसमें याद रखिए एक को बोला जाता है सिंपैथेटिक, बोला जाता है सिंपैथेटिक, और दूसरे को बोला जाता है पैरासिंपैथेटिक। ठीक है, हिंदी में इनको अनुकंपी तंत्र कहा जाता है, इंग्लिश में परानुकंपी तंत्र कहा जाता है। वैसे अनुकंपी परानुकंपी ना याद करके आप यही वाला याद रखो, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। ठीक है, ये दो हिस्से में बटे होते हैं, कौन, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो हिस्सों में बटे होते हैं। कर जिन पेशियों और ग्रंथियों पर इन तंत्रों का नियंत्रण होता है उनके ऊपर यह एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। देखिए एक ही तंत्र से, मतलब एक जो, जैसे मान लीजिए अगर हम फेफड़ा की बात कर दें या हार्ट की बात कर ले, तो हार्ट से ये दोनों ही जुड़े होते हैं। कौन कौन से दोनों, दोस्तों मैं सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक की बात करूं, दोनों जुड़े होते हैं, दोनों का काम अपोजिट होता है। ठीक है, कर आहार नाल की ग्रंथियों से किसी तरह का स्राव हो गया, या स्वैच्छिक पेशियों का संकुचन हो गया, या हृदय की धड़कन दर हो गई, या बल हो गया, इसमें जो है ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बाप कहो कि इतना इंपॉर्टेंट है तो एक इमेज तो बन ही जाता है यहां पर, तो ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी टॉपिक नहीं, छोटी टॉपिक है। अब देखिए आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि यहीं से क्या निकलता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी यहीं से आता है बाहर। अब देखो जैसे अगर मैं आंख की बात कर लूं, तो आंख से सिंपैथेटिक, देखिए इस साइड में क्या है, ये सिंपैथेटिक है और यहां पर पैरासिंपैथेटिक है। ठीक है, और ये दोनों ही आंख से जुड़ी हुई है। ठीक है, दोनों की एक एक तंत्रिकाएं जाकर इससे जुड़ी होती है, हालांकि दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, यहां पर देखिए क्या बोला है, सलाइवा, सलाइवा मतलब लार जो होता है ना, उससे भी जाके जुड़े होते हैं। यहां पर देखिए दे रहा है, ये आपका हार्ट दे रहा है, हृदय दे रहा है। ठीक है, यहां पर उसके वेसल्स दे रहे हैं, यहां पे आपका क्या दे रहा है, ये दोस्तों आपका अमाशय हो गया, अमाशय, अमाशय। ठीक है, याद रखेगा। और यहां पर देखिए ग्लूकोज वगैरह हो गया, जो चेंजिंग वगैरह किया जाता है, या हम दोस्तों फेफड़ों की बात कर लें। ठीक है, तो इन सब से दोस्तों याद रखिए ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जाके जुड़ा होता है, और ये दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक के अलग अलग कार्य होते हैं। बहुत डिटेल में जाके आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में यहीं तक की चीजें शामिल हैं, इसलिए मैं आपको यहां तक की चीजें बता रहा हूं। हां, जब आपको अलग से हार्ट पढ़ाया जाएगा तो मैं वहां पर आपको और भी चीजें यहां से जोड़कर बताते चलूंगा कि कहां पर कौन कौन सी चीजों को मैंने पढ़ाया था। अब एक बार लगे हाथ हम लोग एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और भी चीजों पर। जैसे आपने नाम सुना मेडुला ऑब्लोगेंटा, मैं एक एक अक्षर आपको बताऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा और आपको इमेज भी दिखाता चलूंगा। कर मेडुला ऑब्लोगेंटा का पिछला भाग ही किससे बनता है, यह मेरुरज्जु से बनता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा का जो पिछला हिस्सा होता है ये मेरुरज से बनता है। तो आपके मन में आया सर मेडुला ऑब्लोगेंटा थोड़ा कंफ्यूजन है, कल तो आपने पढ़ाया था, बट सर एक बार और, एक बार आप दिखा दीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक इमेज में लेकर आया हूं, जहां एक बार आपको सब कुछ दिखा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं इमेज में। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखिए सबसे नीचे देखिए, ये वाला जो कलर आपको दिख रहा है ना, ये हमारा स्पाइनल कार्ड है, मेरुदंड है, सबसे निचला वाला हिस्सा, ये इतना वाला हिस्सा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेरुदंड हो गया। मेरुदंड के ठीक ऊपर दोस्तों ये मेडुला ऑब्लोगेंटा है, क्या है, मेडुला ऑब्लोगेंटा, ये सेकंड वाला, ये वाला हिस्सा क्या है, ये मेडुला ऑब्लोगेंटा। नीचे से चल रहा हूं, इसके ऊपर आएंगे दोस्तों पोन्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पोन्स,
पोन्स, PONS, ठीक है, पोन्स आ जाएगा और पोन्स के ऊपर आ जाएंगे तो ये मिड ब्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ठीक पीछे दोस्तों ये वाला जो हिस्सा होता है ये सेरिबेलम होता है, ठीक है, सेरिबेलम। मैंने आपसे बताया था कि चलना, दौड़ना, हिलना, डुलना, खाना पीना, ये जो हम अपने हाथ से करते हैं, लिखना, ये सब कैसे हो पाता है? सेरिबेलम से। हम अपने शरीर को बैलेंस कैसे करते हैं दो पैरों पर? सेरिबेलम से, ठीक है, सेरिबेलम। वो सेरिबेलम यहां पर है, सेरिबेलम ही पश्चिम मस्तिष्क में आता है। और याद रखिए मिड ब्रेन जो होता है ये मध्य मस्तिष्क में आता है। तो मध्य मस्तिष्क यहां पर है और पश्चिम मस्तिष्क यहां पर है। अब बाकी ये जो बड़ा वाला दे रहा है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ, ये देखिए, ये जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है ये क्या होता है? ये हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। ये चार हिस्सों में बटा होता है, अलग अलग लोब होते हैं। जैसे फ्रंटल लोब आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है, उसके नीचे ये टेम्पोरल लोब दिख रहा है। टेम्पोरल लोब यहां पे होता है, देखो यहां पे ये होता है ना, ये वाला हिस्सा ये टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है। और ये आगे का हिस्सा, ये माथे वाला हिस्सा क्या होता है? ये आपका फ्रंटल लोब होता है। तो टेम्पोरल, फ्रंटल याद रखिएगा। और याद रखिए पैरेंटल लोब होता है, यहां पर क्या होता है? ये चानी पर क्या होता है? ये पैरेंटल लोब होता है। और आप पीछे की तरफ जाएंगे तो यहां ऑक्सीपिटल लोब होता है। ये यहां पर मारने के लिए मना किया जाता है क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब भी यहां पर होता है। और ऑक्सीपिटल लोब के ठीक पीछे और नीचे की साइड में आपको पश्चिम मस्तिष्क दिखता है। क्या दिखता है? जिसको सेरिबेलम कहा जाता है ना, तो उसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, एकदम सेंटर में देखेंगे दोस्तों तो ये आपका थैलेमस होता है। मैंने दो चीज बताया था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस में आपको तीन चीजें बताया था, ठंडा, गर्म और दर्द। ठंडा, गर्म और दर्द की पहचान कौन करता है? थैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस में आपको बताया था कि उसमें प्यार हो गया, घृणा हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो चीजें कहां पर आती हैं? हाइपोथैलेमस, ये इसके ठीक नीचे है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपका एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है दोस्तों। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और यहां पर दे रहा है हाइपोथैलेमस, ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस हो गया। और ये वाला हिस्सा देखिए, हिप्पोकैम्पस कहा जाता है इसको, हिप्पोकैम्पस, ये अलग होता है, ठीक है। तो इतना चीज आप याद रखेगा दोस्तों, और इस तरह से हमारा ब्रेन सिस्टम बनता है। तो एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं कि कैसे जाकर के जुड़ा होता है। देखो, कुछ इस तरह से हमारे मुख का ढांचा होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे मुख का ढांचा होता है, और ये हमारा ब्रेन होता है। देखो, ये हमारा पूरा ब्रेन होता है। अब देखो, ब्रेन में जो एक्चुअल में आपको दिखता है ये वाला हिस्सा ना, ये दिख रहा है आपको, यही दोस्तों सेरिबेलम है। ये क्या है? यही सेरिबेलम है। ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, जहां पर ऐसे फूल पत्ती बने हुए, ये सेरिबेलम वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और ये हिस्सा आके जुड़ रहा है ना, ये वाला, याद रखिए, यही पर है मेडुला ऑब्लॉगेटा। और ये जाकर किससे जुड़ गया? ये जाकर जुड़ गया मेरुदंड से। किससे जुड़ गया है? मेरुदंड से। देखिए, जुड़ गया ना मेरुदंड से, तो बस इसी हिस्से को मेडुला ऑब्लॉगेटा कहते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। दूसरा कह रहा है मेरुरज्ज के चारों ओर भी एक पतली पन्नी की परत पाई जाती है। मेरुदंड के चारों ओर क्या पाई जाती है? एक परत पाई जाती है झिल्ली की। ये वही परत होती है जो मैच करती है, जो हमारे ब्रेन के चारों तरफ पाई जाती है दोस्तों। अब आप पूछोगे, सर वो वाली क्या जिसमें हम लोग ड्यूरा मैटर, पिया मैटर पढ़े थे? हाँ दोस्तों, मैं उसी वाले परत की बात कर रहा हूं जिसमें मिनिंजिस नाम की झिल्ली पाई जाती है। इन तीनों को मिला के बोला जाता है। तो दोस्तों याद रखेगा, वही ड्यूरा मैटर, वही अरेक्नाइड और वही पाया मैटर या पिया मैटर यहां भी पाया जाता है, जो हमारे मेरुदंड के चारों तरफ एक आवरण बनाता है। तो हमारे ब्रेन की तरफ और हमारे मेरुदंड की तरफ दोनों तरफ ही यही तीन झिल्लियां आवरण के रूप में पाई जाती है। कारण मेरुदंड बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी होती है। अभी आगे दिखाता हूं कैसे चपटापन होता है। करा इसकी दोनों सतह पर एक एक खांच पाई जाती है, खांच ऐसे निकला हुआ खांच पाया जाता है, जिन्हें कमसा क्या बोला जाता है? डार्सल कहा जाता है और ब्रेटल फ्रिसर कहा जाता है, ब्रेटल फ्रिसर कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों याद रखेगा। करा मेरु रज्जु के मध्य में एक सकरी नाल पाई जाती है जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं। याद रखिए, इसमें सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा होता है। क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा होता है, ठीक है। इसी में अगर कोई इंफेक्शन होता है दोस्तों, तो आप देखते होंगे ट्यूमर वगैरह हो जाता है लोगों को, वो यहीं से संबंधित है, ठीक है। चलिए एक बार इस वाले इमेज से मैं आपको चीजें बता देता हूं दोस्तों। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये देखिए सर्वाइकल स्पाइनल हो गया, ये सर्वाइकल स्पाइनल कर्व हो गया, बीच में आपका थोरेसिस स्पाइनल कर्व हो गया, उसके बाद आपका लंबर हो गया और लास्ट में आपका पेल्विक हो गया, ठीक है। ये तीनों याद रखेगा, यहां पर अलग अलग चीजें और भी दे रही है, उसको ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों एक बड़ा इमेज मैं आपको ऊपर की तरफ से दिखा रहा हूं कि एक्चुअली में हमारा मेरुदंड दिखता कैसा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर,
देखिए ये दो हिस्से जो आपको दिख रहा है ना, ये दो हिस्से दिख रहे हैं, इसी का नाम डोर्सल है। एक तरफ डोर्सल होता है, एक तरफ ब्रिटल फिशर होता है। क्या होता है? ब्रिटल फिशर होता है। तो डोर्सल और ब्रिटल फिशर, इसको भी याद रखेगा। ये आपको बीच में एक सेंट्रल कैनाल दिख रहा होगा, ठीक है, इसी में द्रव भरा होता है। और याद रखिए ये आपका ग्रे मैटर होता है, और ये बाहर वाला जो व्हाइट वाला दिख रहा थोड़ा हल्का कलर, ये आपका व्हाइट मैटर होता है, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हालांकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट आप ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं और कैसे होते हैं रोग, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है आपका मेरुदंड नसों का एक समूह है। दोस्तों आपने देखा ना कि ब्रेन से निकलने वाली 22-12 जोड़ी तंत्रिकाएं और मेरुदंड से निकलने वाली 33 जोड़ी तंत्रिकाएं यहां पर होती हैं, और आप सोच सकते हैं नर्व्स कितने पतले होते हैं। अगर इतने ज्यादा नर्व्स हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा मेरुदंड एक नसों का समूह होता है जो आपकी पीठ के मध्य भाग तक जाता है और फिर अलग अलग हिस्से में फैल जाता है। आपके शरीर और मस्तिष्क के बीच में संकेतों का आदान प्रदान या सूचनाओं का आदान प्रदान इन्हीं नर्व्स के द्वारा होता है। करा या कसीर का द्वारा संरक्षित होता है, जो आपकी रीढ़ बनाने वाले अस्थि खंड होते हैं। दोस्तों ये मेरुदंड छोटे छोटे कई सारे अस्थियों से बनता है। जब मैं आपको अलग अलग कंकाल तंत्र के बारे में बताऊंगा, तब आपको इसके बारे में बताऊंगा। यदि किसी दुर्घटना में आपकी कसेरु या रीढ़ की हड्डी में किसी तरह का चोट लगता है या वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो याद रखिए आपका जो मेरुदंड है वो अभी आपका चोटिल हो सकता है। मेरुदंड की अन्य समस्याएं जो है वो ये है, आगे दे रहा है, जैसे ट्यूमर भी हो जाता है। तो अगर अंदर के जो केंद्रीय नाल में पाया जाता है द्रव, ठीक है, अगर उसमें किसी तरह की सड़न बनती है, किसी तरह का बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, तो याद रखिए ट्यूमर भी हो जाता है। मेनिनजाइटिस आम संभावना है, क्योंकि वो तीनों झिल्लियां पाई जाती है, मेनिनजेस वाली झिल्ली जो हमारे ब्रेन में पाई जाती थी वो यहां पर भी होती है, तो मेनिनजाइटिस की संभावना यहां से हो सकती है। सूजन संबंधी बीमारियां होती है, क्योंकि नसों में स्वेलिंग आ जाने से सूजन संबंधी बीमारियां होती है, तो सूचनाओं के आदान प्रदान होने में दिक्कत होती है, जो एक बड़े गंभीर रोग के साथ सामने। और याद रखें नसों की संख्या यहां पर इतनी ज्यादा होती है कि इसका ऑपरेशन अपने आप में बड़ा कठिन कार्य होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फील्ड है पूरे शरीर में, सबसे कठिन, सबसे जटिल संरचना जो है वो या तो ब्रेन है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे सबसे जटिल कुछ है तो आपका स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा नस पाया जाता है कि डॉक्टर को नसों को ढूंढना ही बहुत बड़ी काम होता है उनके लिए। कह रहा है कि सूजन संबंधी बीमारियां, आगे दे रहा है एम्पियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसे अपक्षय रोगों से भी जो है हमारा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले दिन तो अब आपका फिजिक्स स्टार्ट होने वाला। चलो आप लोगों की बड़ी डिमांड आ रही है कि सर केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाए, ठीक है, तो चलिए मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सप्ताह में 2 दिन आपका फिजिक्स कर दिया जाएगा, 2 दिन केमिस्ट्री कर दिया जाएगा, 2 दिन बायोलॉजी कर दिया जाए। तो क्या इसके लिए आप राजी हैं? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बताइए, ऐसे आपका शेड्यूल कर दिया जाए, और इसी वीक से आपको इस शेड्यूल पर जो है काम भी किया जाएगा, ठीक है। यानी मंडे और ट्यूजडे को जो आपकी क्लास होगी सुबह के 10 बजे, आज ये क्लास थोड़ा सा अलग टाइम पे जा रही है, बट सुबह के 10 बजे आपको ये क्लास दी जाएगी। जो लोग नहीं देखे हैं हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लें, और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिजिक्स के 2 दिन जाएगी, मतलब संडे मंडे और ट्यूजडे, ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे आपका केमिस्ट्री कर देते हैं, और लास्ट में फ्राइडे और सैटरडे को फिर से हम लोग जो है बायोलॉजी पर आएंगे। दोस्तों बायोलॉजी की जो अगली क्लास होगी वो उसमें मैं आपको बताऊंगा आई के बारे में, ठीक है, यानी आंख के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सिर्फ एक वीडियो होगा आंख के बारे में, और उसमें मैं पूरी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आंख, कान, नाक, इस तरह से सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कहां पर, अपने शरीर के बारे में, यानी भोज्य पदार्थों को लेकर चलूंगा आमाशय तक, फिर वो चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है बायोलॉजी का, वो सबसे पहले आपको क्रीम वाला आइटम कराया जा रहा है, फिर धीरे धीरे हम जो है चीजों को अलग अलग तरीके से पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो बस इतना सा निवेदन है, वीडियो को आप शेयर करिए, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर हकीकत में आप एक ईमानदार स्टूडेंट हैं और सच में आप मेहनत से पढ़ना और सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है स्टडी 91 आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, जहां आकर आप संपूर्ण विषय की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोई एक विषय नहीं, क्योंकि परीक्षा में हर विषय से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको हर विषय पर समान फोकस करने की जरूरत है। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर से आपको याद दिला दूं दोस्तों, हमारी वेबसाइट का नाम नीचे दिया हुआ है study91.co.in, यहां विजिट करके आप बहुत सारी चीजें और नई नई जानकारियां पा सकते हैं। बहुत बेहतरीन वेबसाइट आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है, यहां पर आपको बहुत अद्भुत चीजें पढ़ने को और देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए चलता हूं, मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत से पढ़ाई करिए, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अगर चाहते हो कि जिंदगी आराम से गुजरे तो आज फिर आपको सोना
नहीं, आज जागना होगा, आपको मेहनत करना होगा। मैं देखता हूं ना, जब एग्जाम आता है लोग एक्टिव हो जाते हैं, जैसे एग्जाम जाता है लोग डीएक्टिव हो जाते हैं। और याद रखो, जो लोग डीएक्टिव होते हैं ना, फिर इसी तरह से 2020 आया ना, 2021 आएगा, 2021 आएगा और आप यहीं रहोगे, इसी तरह मोबाइल बैठकर पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे। क्योंकि जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो ना, इस तरह से पढ़ाई होती नहीं है। जब तक आपका एग्जाम रहता है, आप लग के मेहनत करके पढ़ते हो। जब एग्जाम गया, फिर कौन जा रहा है? आप सोचते हो यार, कभी कोई तो फॉर्म ही नहीं आया, तो तैयारी किस बात की? दोस्तों, फॉर्म देख के तैयारी नहीं किया जाता है। जब लड़ाइयां लड़नी होती है ना, तब सैनिक प्रैक्टिस नहीं करता, सैनिक प्रैक्टिस रोज करता है कि न जाने किस दिन हमें लड़ाई पर जाना पड़ जाए। ठीक है, तो याद रखिए, आपको अपनी प्रैक्टिस पूरी रखनी है, मेहनत से पढ़ते चलना है, लड़ाई का इंतजार नहीं करना है कि लड़ाई जब डेट निर्धारित हो जाएगा तो फिर हम तैयारी पे निकलेंगे। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं, मतलब उस युद्ध में आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन युद्ध जीत कर नहीं आएंगे, खाली वीर गति ही मिलेगी। और यहां पर वीर गति नहीं प्राप्त होना, यहां पर जीत हासिल करना, हमें जीत करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, अपने देश को आगे बढ़ाना। ठीक है, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, मेहनत करिए, अगर सो रहे हैं तो जाग जाइए। ठीक है, मेरा काम है जगाने का, नहीं जागोगे तो आपका भविष्य अंधकारमय है और अंधकारमय ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग सोते हैं ना, उनका अंधकारमय ही रहता है। उनके लिए मैं क्या बोल सकता हूं? तो मेहनत करना है आपको, उठिए, जागिए और बढ़िया से तैयारी करिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।